देव लोकथा और संस्कृति में अलौकिक प्राणी होते हैं जो किसी मृतक की आत्मा से बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी की मृत्यु से पहले कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और वो पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं जा पाते, वो भूत बन जाते हैं। प्रेत कौन बनाता है? जागरण के मुताबिक, परालौकिक शक्तियों के जानकारों के मुताबिक, आत्मा के तीन प्रकार होती है, जीव आत्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। आत्मा इंसान के शरीर में हमेशा रहती है। जब आत्मा भौतिक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तब जीवात्मा होती है। जैसे ही उसका प्रवेश कामना से भरे, इच्छाओं और वासनाओं से भरे शरीर में होता है, वो प्रेत आत्मा बन जाती है। प्रेत और भूत में क्या अंतर है? वेद दुनिया के मुताबिक, भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। प्रेत कैसे बनते हैं? जागरण के मुताबिक, और जब वो व्यक्ति कोई लालसा, इच्छा और आकांक्षा लेकर मरता है तो वो प्रेत बन जाता है। भूत की बहुत सारी जातियाँ होती है, जैसे भूत, फिर प्रेत, फिर पिशाच, राक्षस वगैरह। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। प्रेत कितने प्रकार के होते हैं? जागरण के मुताबिक, हिंदू धर्म में गति और कर्म लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपालक, ये सभी के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। अमर उजाला के मुताबिक, अगर आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें, जैसे खुरचने की, किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट जैसी आवाजें आने लगे तो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई आत्मा का वास हो। वेद दुनिया के मुताबिक, प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति की वाणी कठोर और कटु हो जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी की नहीं सुनता और अपनी मनमानी करता है। भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है। जब व्यक्ति पूरी तरह से प्रेत के चंगुल में फंस जाता है तो ऐसी अवस्था में वह चीखता, चिल्लाता और रोता रहता है। भूत भगाने का मंत्र क्या है? ओसे.in के मुताबिक, ऊँ ऐ ही श्रीं ही हूँ है ऊँ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरो बेताल ग्रह राक्षसादिकं क्षणेन हन हन भंजये भंजये मारम मार शिक्षे शिक्षे महामारे शुवर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। भूत क्या चीज से डरता है? नव भारत टाइम्स के मुताबिक, भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ नमक से डरती है। मान्यता है कि नमक नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से निकालकर सकारात्मकता वातावरण का निर्माण करता है। दैनिक भास्कर हिंदी के मुताबिक, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, इन सभी से रक्षा करने के लिए जरूरी है शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाकर थाली में उससे काजल बना ले। ये उपाय दिवाली की रात करना चाहिए। इस काजल को लगाने से बुरी शक्तियाँ दूर रहती है और किसी की काली बुरी नजर नहीं लगती। कैसे पता करें कि घर में भूत प्रेत का साया है? अमर उजाला के मुताबिक, अगर आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें, जैसे खुरचने की, किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट जैसी आवाजें आने लगे तो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई आत्मा का वास हो। ऊपरी हवा, भूत का पता कैसे लगा सकते हैं? सामाजिक के मुताबिक, भूत का भोजन क्या है? बिजनेस, हेल्थ, लव, न्यूज के मुताबिक, दोस्तों सच बात तो ये है कि भूत प्रेत खाना नहीं खाते हैं। वे हमेशा बिना खाने के ही रहते हैं, लेकिन उनके मन में भोजन की मांग हमेशा बनी रहती है। डॉक्टर अरुण कुमार, जिन्होंने भूतों के ऊपर काफी रिसर्च किया, तो पता चला कि भूत प्रेत सिर्फ वैचारिक रूप से संतुष्ट होने को ही खाना समझते हैं। भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है? वेद दुनिया के मुताबिक, भूत सबसे शुरुआती पद है, या कहें कि जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। तिल जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वो तमस दान कहलाता है। तिल
अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। चल सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। चल फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है।